चूरू की दुर्दशा के लिए बहुत खेद है। 6 बार मैं स्वयं जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे चुका हूं, 2 बार धरना हो चुका है, प्रशासन संख्या शून्य हो गया है, बार बार आश्वासन दिया जाता है कि 105 हॉर्स पावर की मोटर लगा दी जाएगी जोरी सागर में, और उसके साथ ही जो गिनानी है उस गिनानी का पानी भी अलग से खोद के उसका क्षेत्र बढ़ाया जाएगा, खुदाई भी कुछ हुई है, परंतु ढाक के 3 पार। आज लगभग 1 महीने से चूरू की आधी आबादी नारकीय जीवन को जी रही है। आज ये सीवरेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन में मिल रहा है, बड़ी महामारी फैल सकती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय आपका, कलेक्टर साहब आपका और स्वायत्त शासन मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इतने दिन हो गए, पहले भी व्यवस्था यही थी, पर पहले नाले नालियां सारे मानसून से पहले साफ होते थे, मशीनों को चेक किया जाता था, 40-40 लाख रुपए डीजल के नाम पर उठा लिए गए, पुरानी मोटर को नई मोटर कहकर लगा दी गई। जो हुआ सो हुआ, भगवान के लिए किसी टीम को भेजिए ताकि चूरू को बचाया जा सके। चूरू डूबेगा, पूरी जिम्मेवारी सरकार की तरफ होगी और मजबूरी से मुझे आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। चूरू की दुर्दशा के लिए बहुत खेद है। 6 बार मैं स्वयं जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे चुका हूं, 2 बार धरना हो चुका है, प्रशासन संख्या शून्य हो गया है, बार बार आश्वासन दिया जाता है कि 105 हॉर्स पावर की मोटर लगा दी जाएगी जोरी सागर में, और उसके साथ ही जो गिनानी है उस गिनानी का पानी भी अलग से खोद के उसका क्षेत्र बढ़ाया जाएगा, खुदाई भी कुछ हुई है, परंतु ढाक के 3 पार। आज लगभग 1 महीने से चूरू की आधी आबादी नारकीय जीवन को जी रही है। आज ये सीवरेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन में मिल रहा है, बड़ी महामारी फैल सकती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय आपका, कलेक्टर साहब आपका और स्वायत्त शासन मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इतने दिन हो गए, पहले भी व्यवस्था यही थी, पर पहले नाले नालियां सारे मानसून से पहले साफ होते थे, मशीनों को चेक किया जाता था, 40-40 लाख रुपए डीजल के नाम पर उठा लिए गए, पुरानी मोटर को नई मोटर कहकर लगा दी गई। जो हुआ सो हुआ, भगवान के लिए किसी टीम को भेजिए ताकि चूरू को बचाया जा सके। चूरू डूबेगा, पूरी जिम्मेवारी सरकार की तरफ होगी और मजबूरी से मुझे आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा। चूरू की दुर्दशा के लिए बहुत खेद है। 6 बार मैं स्वयं जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे चुका हूं, 2 बार धरना हो चुका है, प्रशासन संख्या शून्य हो गया है, बार बार आश्वासन दिया जाता है कि 105 हॉर्स पावर की मोटर लगा दी जाएगी जोरी सागर में, और उसके साथ ही जो गिनानी है उस गिनानी का पानी भी अलग से खोद के उसका क्षेत्र बढ़ाया जाएगा, खुदाई भी कुछ हुई है, परंतु ढाक के 3 पार। आज लगभग 1 महीने से चूरू की आधी आबादी नारकीय जीवन को जी रही है। आज ये सीवरेज का पानी ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन में मिल रहा है, बड़ी महामारी फैल सकती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से मुख्य सचिव महोदय आपका, कलेक्टर साहब आपका और स्वायत्त शासन मंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इतने दिन हो गए, पहले भी व्यवस्था यही थी, पर पहले नाले नालियां सारे मानसून से पहले साफ होते थे, मशीनों को चेक किया जाता था, 40-40 लाख रुपए डीजल के नाम पर उठा लिए गए, पुरानी मोटर को नई मोटर कहकर लगा दी गई। जो हुआ सो हुआ, भगवान के लिए किसी टीम को भेजिए ताकि चूरू को बचाया जा सके। चूरू डूबेगा, पूरी जिम्मेवारी सरकार की तरफ होगी और मजबूरी से मुझे आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा।